भुवनेश्वर द सिटी ऑफ गुड रोड्स एंड द कैपिटल ऑफ ओडिशा। आज का ये जो व्लॉग है ये इसी शहर के लिए, सो डोंट बी सो लेट। हेलो मजा सावरू, मैं सोनू आपका स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है सोनू अंटपरी। तो बस आइए मेरे साथ खो जाइए। द ट्रिप बिगिंस। तो मैं पेश करता हूँ ये डीजे वाले भैया और करण वाले अक्षय भैया। चले चले चलो नो। तो बस सवारी है तैयार, अभी चलेंगे स्टेशन की तरफ, इंटरसिटी पकड़कर डायरेक्टली भुवनेश्वर में पहुँचेंगे कल सुबह। और कल सुबह आप लोगों के साथ रूबरू होते हैं, तो बस सोने दीजिए और क्या। भैया चले भैया चले कैसन बा चले तो चले यो ब्रो कुछ नहीं कंटिन्यू। वेरी गुड मॉर्निंग एंड सुबह की पहली किरण और ट्रेन की तीव्र गति के साथ हम पहुंच गए भुवनेश्वर में। तो बस अभी स्टेशन से बाहर जाएंगे, फिर कुछ खाने पीने का प्रबंध होगा, अगर मिला तो सही, नहीं तो फिर घर में जाकर खाएंगे। तो फिर चलिए, फिर वेट किस बात की, दुख के साथ बोल रहा हूँ, बाहर कुछ मिला नहीं तो घर में बनाना पड़ रहा है। तो आप लोग की अनुमति हो तो थोड़ा बहुत खा पी के बात करते हैं। हेलो कैसे हो, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू। टू सिक्सटी टू बी सी में जब राजा अशोका जो थे वो जैसे अपना साम्राज्य विस्तार करने जा रहे थे, तो उसी दौरान बहुत सारे युद्ध हुए थे, बहुत सारे युद्ध। तो उसी युद्ध के चलते इतना खून खराबा हुआ था, इतना ज़्यादा खून बहा था लोगों का कि मैं आपको दिखाऊंगा इसके बाद, नदी जो है पूरा लाल हो गया था उनके खून से। तो मैं बस वही जगह पर आज आया हूँ, और जब युद्ध हो रहा था तभी उनका नाम हो गया था चंडा अशोक, अशोक से हो गया था चंडा अशोक, क्योंकि वो इतना खूंखार हो गए थे। तो उसके बाद वो खून को देखकर वो इतना मतलब अपने आप को रियलाइज़ करने लगे, तो उसके बाद वो हो गए मतलब चेंज हो गए और वो बुद्ध धर्म को अपनाने लगे। और उसके बाद उसी के याद में ये जगह बना है। अशोक अपने जीवन काल में जो चंडाशोक से धर्माशोक हुए वो सारा कहानी इसी पत्थर में है, ये पत्थर में तराशा हुआ है। भाई घूम तो बहुत लिए, अभी भूख भी लग रही है, तो चलो थोड़ा बारबेक्यू नेशन खा के आते हैं और पेट को भी खुश करते हैं। तो आइए मिलिए हमारे तीसरे मित्र से, आशुतोष भैया।
लेट तो भैया खुश हो गया, अब थोड़ा लाइफ भी जी लेते हैं। चलो जीते हैं लाइफ। ये तो भैया हो गई पहला दिन ख़त्म भुवनेश्वर ट्रिप की, और बाकी भी दो दिन बाकी है। तो स्टे ट्यून विथ मी, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और बेल घंटी बजा के जाइएगा ताकि भुवनेश्वर में आगे हम लोग जो प्लान किए और जो एग्जीक्यूट किए भैया उसका तो मज़ा ही अलग है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। सुनन टपरी साइनिंग आउट।